काफी फिल्मों को मद्देनजर में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि हिंदी फिल्में अपनी संस्कृति और पौराणिक कथा या माइथोलॉजी पे कहानियां क्यों नहीं बनाती। अयान मुखर्जी की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र भारत की एक पौराणिक कथा की मॉडर्न डे एडेप्टेशन होगी। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा सुपरनेचुरल हथियार है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। कैसे धर्मा प्रोडक्शंस एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को एक मॉडर्न ट्विस्ट में बताएगा ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्रिएटर्स हमारे इस रिच कल्चर ऑफ स्टोरीज में टैप क्यों नहीं करते। भारतीय सिनेमा इन कहानियों को मोस्टली एनिमेटेड फिल्म से एक्सप्लोर करती है। अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के मशहूर फिल्म जैसे क्लैश ऑफ टाइटन्स जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर पर्सियस पे फोकस करती है, और 300 जिसने बैटल ऑफ थर्मोपिली स्पार्टन आर्मी के किंग लियोनाइडस के पर्सपेक्टिव से बताई थी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि ऑडियंस ऐसी कहानियों को बड़े पर्दे में देखने के लिए बहुत उत्साहित है। मैं ऐसे तीन कहानियां इंडियन माइथोलॉजी से बताना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रभावशाली फिल्म बन सकती है। पहली कहानी है नरसिम्हा की, लॉर्ड विष्णु का चौथा अवतार, आधा मनुष्य आधा शेर। जिस कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिलाई थी वो थी नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप की कहानी। हिरण्यकश्यप एक असुर था जिसके भाई हिरण्याक्ष की हत्या विष्णु के अवतार वाया के हाथों से हुई थी। क्रोध से भरा हुआ और बदला लेने के प्रभाव में हिरण्यकश्यप एब्सोल्यूट ताकत के खोज में ब्रह्मा के सामने पछतावा के प्रति उनकी तपस्या करके ताकत पाना चाहते हैं। इसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, जिसमें अपने पति जैसे लक्षण नहीं थे, प्रहलाद को अपने कोख में पाल रही थी और एक साधु निरद उनका ध्यान रख रहा था। निरद के पालन से प्रहलाद विष्णु के भक्त बन जाते हैं और अपने पिता को घृणा और क्रूरता से देखते हैं। हिरण्यकश्यप की तपस्या के बाद वो ऐसी ताकत प्राप्त करते हैं कि वो किसी से नहीं मारे जा सकते, ना मनुष्य से ना जानवर से, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना ही बाहर, ना धरती पर ना ही स्वर्ग में। जब हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या से वापस आकर प्रहलाद से मिलते हैं, उसे क्रोध होता है कि जिसको वो मारना चाहते हैं उसी की तपस्या उसका बेटा प्रहलाद करता है। गुस्से में लथपथ हिरण्यकश्यप अपने बेटे की जान लेने की तरकीब सोचते हैं और अपनी बहन होलिका का इस्तेमाल करके प्रहलाद को जलाना चाहते हैं। होलिका की ताकत उसकी पोषक थी जो कि आग से अप्रभावित थी। आग में प्रहलाद ने विष्णु का नाम लिया और वो बच गए, लेकिन हवा के झोंके से होलिका का पोषक उड़ गया और वो जल के राख हो गई। विष्णु नरसिम्हा का अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा करते हैं। नरसिम्हा जो कि है आधा मनुष्य और आधा शेर, हिरण्यकश्यप को अपने जांग पर लेते हैं, ना धरती पर ना स्वर्ग में, सांझ के समय ना दिन में ना रात में, आंगन के ना अंदर ना ही बाहर, और उसको मार डालते हैं। ये कहानी ताकत की लालचा के बारे में एक बेहतरीन मॉडर्न डे एडेप्टेशन भी बन सकती है। दूसरी कहानी है कर्ण के कवच की। मेरे हिसाब से महाभारत की सबसे विचारशील कहानी जो हमें मनुष्य के बारे में काफी सीख दे सकती है वो है कर्ण की कहानी। कर्ण कुंती और सूर्या के बेटे थे जिनके पास विशाल ताकत और बुद्धि थी। कर्ण के जन्म के बाद कुंती ने उन्हें एक टोकरी के अंदर नदी में छोड़ दिया था। कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला और पोसा जो कि धृतराष्ट्र के लिए काम करते थे। इसी बीच कर्ण कौरवों के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक निडर योद्धा बनते हैं जिनका कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को मारने का लक्ष्य होता है। कर्ण अपने कानों के बाली और कवच से अमर रहते हैं। इंद्र जो कि अर्जुन के पिता हैं और भगवानों के राजा थे, कर्ण को नश्वर या मॉर्टल बनाने की तरकीब सोचते हैं। एक साधु का रूप लेके वो कर्ण से मिलते हैं और उनको उनकी ताकत कान के बाली और कवच भेंट के रूप में मांगते हैं। कर्ण खून में लथपथ अपनी ताकत दे देते हैं और इसी से कर्ण नश्वर बन जाते हैं। इंद्र उन्हें एक हथियार देते हैं जो किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। रणभूमि के समय कर्ण उसी हथियार को बचा के रखते हैं ताकि वो अर्जुन का सर्वनाश कर सके, लेकिन घटोत्कच की तबाही से दुर्योधन चौंक जाते हैं और कर्ण को अपना हथियार घटोत्कच को मारने के लिए यकीन दिलाते हैं। घटोत्कच उसी हथियार से मारे जाते हैं, लेकिन कैसे, इसी फैसले से कर्ण की मृत्यु होती है। बड़े पर्दे में एक बहुत ही सीख देने वाली कहानी बन सकती है। आधे भाइयों के बीच रणभूमि, त्याग, साजिश, रणनीति, नैतिकता, हर चीज की सीख। तीसरी कहानी है देवी काली और रक्तबीजा की। रक्तबीजा एक असुर था जो कि पार्वती और उनकी मैत्रिका के साथ भिड़ गया था। पार्वती और उनकी सहायिका ने काफी कोशिश की रक्तबीजा को खत्म करने में, लेकिन जैसे ही रक्तबीजा की खून की बूंदें जमीन पर गिरती थी विभिन्न रक्तबीजा पैदा हो जाते थे। इस संकट में दुर्गा काली को बुलाते हैं। महात्म्यम में लिखा है, काली दुर्गा के माथे से प्रकट होती है, एक तलवार और रस्सी, खटवंग, कपाल की वरमाला और लटकती हुई जीभ के साथ रक्तबीजा का सर्वनाश कर देती हैं। कहा जाता है कि काली ने अपनी जीभ
धरती के ऊपर खींच के रक्त भिजा के खून का हर बूंद और रूप नष्ट कर दिया था। काली इसी बीच हर असुर का सर्वनाश करना चाहती है और इसी से वो चामुंडा के नाम से कहलाती जाती है, चंदा और मुंडा की हत्यारा। काली का इस विक्षिप्त रूप को सिर्फ शिव ही रोक सकते थे और इसीलिए वो काली के चरणों के नीचे आ जाते हैं ताकि काली के हाथों धरती में और विनाश ना हो। इसी कहानी का एक मॉडर्न डे एडेप्टेशन, एक लड़की कैसे तकलीफ और हमले के एक्सपीरियंस से बदले के भूख में घातक बन जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये तीन कहानियां बड़ी फिल्में बन सकती हैं? आप इंडियन माइथोलॉजी की कौन सी कहानियां बड़े पर्दे में देखना चाहेंगे? प्लीज कॉमेंट्स में लिखिए।